जनपद बिजनौर के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर द्वारा आगामी कांवड़ यात्रा श्रावण शिवरात्रि की तैयारियों की दृष्टिगत थाना मंडावली क्षेत्रांतर्गत मोटा महादेव मंदिर प्रांगण में क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों और कांवड़ सुरक्षा दल समिति के सदस्यों के साथ गोष्ठी कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और कांवड़ सुरक्षा के सदस्यों को परिचय पत्र वितरित किए गए हैं। कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो डायरेक्टली आप लोग डॉक्टर से संपर्क करके उनको अटेंड किया जा सके। इसके अलावा इसी तरह से अन्य विभाग भी अपना अपना शेयर कर रहे हैं। मेरा अनुरोध होगा कि जिन्होंने नहीं शेयर किया नंबर वो अपना नंबर शेयर कर देंगे। जिला स्तर पे भी हम लोग कंट्रोल रूम बनाएंगे, वहाँ पे भी जो महत्वपूर्ण विभाग हैं उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी, जिससे कि वो इंश्योर कर सके कि अगर कहीं कोई समस्या है तो तुरंत उसको हम लोग अटेंड कर सके। जो मेजर चीज़ें थी, फिर से मैं अनुरोध करूंगा कि बिजली विभाग का काम बहुत महत्वपूर्ण है, अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ, इसको आपको देख के पूरा कराना है। जो भी आप लोग को पन्नी लगाने के निर्देश दिए गए थे पोल के ऊपर, ट्रांसफार्मर बैरिकेडिंग के निर्देश दिए गए थे, वो आप अच्छी तरीके से चेक कर लीजिएगा। बहुत सारे खम्भे ऐसे हैं जो झुक गए हैं। अभी भी मैं इधर से आ रहा था नजीबाबाद बाईपास की तरफ से, हमें भी दो तीन खम्भा रोड पर दिखा कि जो झुका हुआ था। तो मेरा अनुरोध होगा कि बिजली विभाग बहुत अच्छी तरीके से आप देख लीजिए, क्योंकि अगर कोई भी घटना होती है तो डायरेक्ट फिर जिम्मेदारी निर्धारित की जाती है और संबंधित अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होती है। आपने पिछले बार भी देखा होगा जिन जनपदों में घटना हुई है वहाँ के जेई SDO लेवल तक उसमें कार्रवाई हुई है, कई लोगों को सस्पेंड किया गया है, विभागीय कार्रवाई की गई है। तो मैं अनुरोध करूँगा कि ऐसी साहब आप नए आए हो, आप इसको गंभीरता से सभी XCN से SDO से अपने जेई से पूरा एक। आप पूर्व सांसद होके भी यहाँ पर आए, मीटिंग में आपने पूरा हिस्सा लिया, आपने बताया कि किस तरीके से व्यवस्था होगी, लेकिन यहाँ पर जो अभी चंद्रशेखर हैं जो यहाँ पे अभी वर्तमान में जो सांसद है वो अभी यहाँ पे नहीं दिखाई दिए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आना चाहिए ऐसी यात्रा में जहाँ पे दूर दूर के लोग आ रहे हैं, उनके वोटर तो नहीं हैं। मेरा तो मानना है जनप्रतिनिधि को कोई भी मौका नहीं छोड़ना, जहाँ भी लोग मिले एकदम मिलो, इस बहाने सबको राम राम हो जाती है, मिल लेते हैं, समस्याएं पकड़ी जाती हैं। उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर भी एक बयान दिया था कि मुस्लिम जो है अगर 15 मिनट नमाज पढ़ लेगा और यहाँ पर इतने दिन चलता है तो उसमें क्या दिक्कत है, फिर उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। बहुत बड़ी पोजीशन पे आ गए हैं, MP हैं, माननीय प्रधानमंत्री के समकक्ष बैठे हैं, तो अब इतना बड़े पद पे जाके गंभीरता और गहराई आनी चाहिए। भड़काऊ बयान देने से कोई लाभ नहीं होगा। मेरा तो मानना ये है कि बड़े शांतिप्रिय तरीके से निकले। हमारे यहाँ तो पुराना अपने मुस्लिम फंड के द्वारा भी शिविर लगाया जाता है, सब मिलके साथ देते हैं, सब साथ चलते हैं, तो जिस सौहार्द से और सबकी जिम्मेदारी से ये निकलती है यात्रा, उसी तरह से ऐसी छोटी मोटी बातें नहीं करती। कांवड़ यात्रा के संबंध में आज दूसरी बैठक रखी गई थी, जिला स्तरीय के सभी अधिकारी यहाँ पे बुलाए गए थे, उसके अलावा स्थानीय अधिकारी थाना अध्यक्ष साहिबान सभी लोग यहाँ पे आए थे। जो जो निर्देश हम लोगों ने प्रथम बैठक में विभिन्न विभागों को दिए गए थे उसकी आज समीक्षा की गई। जो यहाँ पे जन समुदाय आए हुए थे उनके भी यहाँ पे सुझाव लिए गए, उनके भी जो सुझाव थे वो संबंधित अधिकारियों को नोट कराया गया, जो मुख्य समस्याएँ थी उन पर चर्चा भी की गई है। जैसे बिजली विभाग से संबंधित समस्याएँ बताई गई, ट्रैफिक डाइवर्जन से संबंधित बताई गई, उन सभी पर विस्तार से चर्चा करके संबंधित विभाग को दिशा निर्देश दिए गए। हम लोग के प्रशासन का ये पूरा दायित्व है कि हम लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से संपादित कराएं, और यही हम लोग का प्रयास है कि हम लोग पिछले साल से भी अच्छी तरीके से पूरे कांवड़ यात्रा को संपादित करें। देखिए संबंधित थाना प्रभारियों से कहा है तो उसको एक बार आइडेंटिफाई करें, ताकि वो आइडेंटिफिकेशन जो है रास्ते में ताकि वो अपनी स्वेच्छा से अपनी मर्जी से जो है जहाँ जाना चाहे वहाँ पर जो है खाद्यान्न का सेवन करें और किसी कन्फ्यूजन की वजह से जो है कोई रखना ना हो। गैर समुदाय के मैं उसी के विषय में कह रहा हूँ कि जो ओनरशिप है वो जो है उसको इस प्रकार से हम चेक करवा लेंगे और अकॉर्डिंगली थाना प्रभारियों को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि वो कंफ्यूजन ना हो। सर कुछ जगह थाना प्रभारियों ने कहा भी है और नाम चेंज मतलब नाम हट भी गए हैं, बट नए नाम वहाँ पर इंस्टॉल अभी तक नहीं हो पाए। हम उसे चेक करवा लेंगे एक बार जो अकॉर्डिंगली हम एक्ट करेंगे ताकि जो लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है।
देखिए हमने रूट देखा है, सबसे पहली व्यवस्था का इम्पोर्टेंस ये है कि इन लोगों को जो है आने जाने नहीं मिलता हो, और उसमें जो है कावड़ यात्री इवन जो लोकलाइट्स हैं उन्हें भी जो है डाइवर्जन की वजह से जो असुविधा ना हो, दोनों चीज़ों को जो है ध्यान रखते हैं। इसके साथ साथ जो है एसेंशियल कमोडिटीज़ जो भी मिलती हैं यहाँ पर, IOCL BPCL की फैक्ट्रीज है, उसके अलावा जो है जो भी करती हैं चीज़ें उसके भी मूवमेंट में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, तीनों को अकोमोडेट करते हुए हमने डाइवर्जन प्लान तैयार किया और बाकी डिस्ट्रिक्ट से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और उसको मे बी टुमारो या डे आफ्टर टुमारो हम मीडिया के माध्यम से प्रसारित कर देंगे, जिससे कि सभी को एडवांस में इस चीज़ की नॉलेज रहे। इसके अलावा जो भी एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ हैं वहाँ पर साइनेजेस के लिए हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ताकि दुर्घटना ना हो इसमें, और इसके हिसाब से बाकी मेडिकल डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ताकि यदि ऐसी कोई दुर्घटना होती है उसका बेहतर रिस्पॉन्स दे सकें। बिजनौर से रविंद्र कुमार की रिपोर्ट।